आप सभी को मैं नमस्कार, स्वागत है आपका फिटवर्ल्ड हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी बीमारी के विषय में है जिससे काफी लोग परेशान हैं, जो कि है सोराइसिस। यह एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। तो आज हम जानेंगे सोराइसिस का परिचय, लक्षण, कारण, बचाव एवं उपचार के बारे में। इसके साथ साथ आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानने को मिलेगा जो कि सोराइसिस के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। तो अगर आप सोराइसिस की समस्या से परेशान हैं या फिर इस समस्या से बचे रहना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। इसमें आपको सोराइसिस से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं सोराइसिस क्या होता है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वह बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस को ढूंढकर या पहचानकर उनको नष्ट कर देता है। लेकिन हमारी बॉडी का वही इम्यून सिस्टम जब हमारी बॉडी के ही सेल्स को नष्ट करने लगता है तो उस स्थिति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और जब यह हमारी त्वचा की कोशिकाओं के विरुद्ध काम करने लगता है तो हमारी स्किन का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और सोराइसिस हो जाता है। स्किन का जो साइकिल होता है वह आमतौर पर 30 से 35 दिन का होता है जिसमें हमारी डेड स्किन उतरती रहती है और उसकी जगह नई स्किन आती रहती है। त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, जिसकी वजह से जब डेड स्किन उतरती है और उसकी जगह नई स्किन आती है तो हम उसको देख नहीं पाते। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन जब यह साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और 30 से 35 दिन से घटकर 10 से 12 दिन हो जाता है तो यह त्वचा उतरने की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जाती है, जिसकी वजह से हमको त्वचा उतरती हुई दिखाई देने लगती है। इसी स्थिति को सोराइसिस कहते हैं। सोराइसिस एक संक्रामक रोग नहीं है, यह छूने से नहीं फैलता। सोराइसिस के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें त्वचा पर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, त्वचा पर सूजन आ जाती है और साथ ही साथ इसमें खुजली भी बहुत आती है जिससे व्यक्ति को काफी इरिटेशन होती है और ये दिखने में भी बहुत ही खराब लगता है। सोराइसिस की शुरुआत ज्यादातर कोहनी की त्वचा, घुटने की त्वचा और सर की त्वचा से होती है, लेकिन सोराइसिस की समस्या हमारे पूरे शरीर पर कहीं भी हो सकती है, जैसे हाथों पैरों के पंजे, कमर की त्वचा, पेट की त्वचा, गर्दन की त्वचा आदि। अलग अलग जगह के सोराइसिस को मेडिकल लैंग्वेज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं सोराइसिस होने के क्या क्या कारण होते हैं। सोराइसिस होने का प्रमुख कारण होता है जेनेटिक। अगर हमारे माता पिता, दादा दादी या नाना नानी को सोराइसिस की समस्या है तो हमें सोराइसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से कारणों की वजह से सोराइसिस की समस्या हो सकती है, जैसे स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल का ज्यादा सेवन, कुछ मेडिसिंस के साइड इफेक्ट, जंक फूड का ज्यादा सेवन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। सोराइसिस की समस्या से अगर आप बचे रहना चाहते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे जंक फूड का सेवन कम से कम करें और बैलेंस डाइट लें जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर विशेष रूप से शामिल होना चाहिए। इसके अलावा हमको किसी भी प्रकार के नशे और धूम्रपान से बचना चाहिए और व्यायाम भी जरूर करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। व्यायाम के साथ साथ हमको मेडिटेशन भी जरूर करना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन से स्ट्रेस कम होता है जो कि सोराइसिस होने का एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा ज्यादा मिर्च मसाले और नॉनवेज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो आप इन सभी उपायों को अपना सकते हैं और सोराइसिस की समस्या से बचे रह सकते हैं। लेकिन अगर सोराइसिस हो गया है तो वह क्या करें। सोराइसिस की समस्या से परेशान व्यक्ति यह सब उपाय तो कर ही सकता है, लेकिन उसको इनके साथ कुछ और चीजें भी ऐड करनी है, जैसे अपनी त्वचा को हमेशा मॉइस्चराइज्ड रखें, खासकर सर्दियों के समय में, क्योंकि सोराइसिस की समस्या में त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। इसके साथ साथ
कुछ योगासन भी जरूर करने चाहिए जिनका नाम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह सभी योगासन सोरायसिस की समस्या में अत्यंत गुणकारी होते हैं। डाइट की बात की जाए तो सोरायसिस से पीड़ित व्यक्ति को मल्टीग्रेन अनाज का ही सेवन करना चाहिए और विटामिन ई युक्त पदार्थों का सेवन भी जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ हरी सब्जियों का और अनेक प्रकार के फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए एवं चाय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट के सेवन से भी बचना चाहिए। आप इन सभी उपायों को प्रतिदिन कर सकते हैं और सोरायसिस की समस्या को नियंत्रित रख सकते हैं। सोरायसिस की समस्या अगर ज्यादा है तो व्यक्ति इन उपायों के साथ साथ आयुर्वेदिक उपचार भी करे। आयुर्वेदिक उपचार में व्यक्ति विशेष रूप से वाइटल केयर कंपनी के 3 अद्भुत प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है जो कि विशेष रूप से सोरायसिस की समस्या के लिए बनाए गए हैं, जो कि है बैक्टीमोसोर कैप्सूल, बैक्टीमोसोर ऑयल और बैक्टीमोसो। यह तीनों प्रोडक्ट सोरायसिस की समस्या में बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और यह सोरायसिस का प्राकृतिक तरीके से इलाज करने के लिए सालों से प्रयोग होते आ रहे हैं। बैक्टीमोसोर कैप्सूल की बात की जाए तो इसमें 11 अलग अलग प्रकार की चमत्कारिक आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण है जो कि स्किन साइकिल में सुधार लाता है, स्किन की रेडनेस और थिकनेस को कम करता है, साथ ही साथ स्किन की भारी प्रत में भी लाभ करता है। बैक्टीमोसोर कैप्सूल इम्यून सिस्टम को ठीक करने में मदद करता है तथा प्राकृतिक तरीके से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। बैक्टीमोसोर कैप्सूल का सेवन व्यक्ति 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम कर सकता है खाना खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ। निरंतर इसका सेवन करने से सोरायसिस की समस्या में यह राहत प्रदान करता है। इसके साथ साथ बैक्टीमोसोर ऑयल प्रभावित स्थान पर लगाना चाहिए दिन में 2 से 3 बार। इस ऑयल को लगाने से पहले प्रभावित स्थान को गुनगुने पानी से अच्छे से धोकर साफ कर सुखा लें और जब वह अच्छे से सूख जाए तो उस पर यह तेल लगाएं। इस तेल में 7 अलग अलग प्रकार के तेलों का मिश्रण है जो कि सोरायसिस की समस्या में सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा इसमें श्वेत कुटज, बाकूची, मंजिष्ठा एवं हल्दी का इस्तेमाल भी किया गया है जिसकी वजह से यह तेल सोरायसिस की समस्या में और भी ज्यादा लाभदायक हो जाता है। एक्टिमोसोर ऑयल का हर रोज उपयोग करने से त्वचा मॉइस्चराइज रहती है तथा इस तेल में एंटीसेप्टिक और एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से यह त्वचा की सूजन को भी कम करता है तथा यह त्वचा की इरिटेशन और इचिंग को भी खत्म करता है। यह तेल स्किन के टिश्यूज को रिपेयर और रीजनरेट करता है, साथ ही साथ ये स्किन के कलर को भी नॉर्मल करता है। सोरायसिस से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी ऐसी साबुन से स्नान नहीं करना चाहिए जिसमें कास्टिक सोडा होता है। बैक्टीमो सोप खासकर त्वचा संबंधित समस्याओं के लिए बनाया गया है। इसमें कास्टिक सोडा बिल्कुल भी नहीं होता है जबकि इसमें 7 असरकारी इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि सोरायसिस की समस्या में बहुत ही कारगर होते हैं। बैक्टीमो सोप एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव प्रदर्शित करता है, स्किन साइकिल को बैलेंस करने में मददगार होता है, हमारी त्वचा को सॉफ्ट बनाता है एवं ड्राइनेस से बचाता है। रोजाना बैक्टीमो सोप से स्नान करना सोरायसिस से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। यह सोरायसिस के साथ साथ एक्ने, पिंपल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को भी दूर रखता है। बैक्टीमोसोर कैप्सूल, बैक्टीमोसोर ऑयल और बैक्टीमो सोप का हर दिन उपयोग करने से 4 से 5 दिन में व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग नियमित रूप से 5 से 6 महीने करना चाहिए। तो आप इन सभी उपायों को कर सकते हैं और सोरायसिस की समस्या में फायदा पा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इन तीनों प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर वहां से परचेज कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और उन सभी के साथ जिनको आपको लगता है इस वीडियो से कुछ मदद हो सकती है। और ऐसी ही हेल्थ और आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए फिटवर्ल्ड हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको नई वीडियो से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।